मैं लिख देता हूँ एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट इसको टू जीरो और कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट इसको टू जीरो और एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट और एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट does not exist at point where f dash of x naught exists. या तो आप जो है आपका डबल डेरिवेटिव किसी इनपुट x नॉट पे जीरो हो जाए या आपका जो डबल डेरिवेटिव है किसी इनपुट x नॉट पे एग्जिस्ट ही ना करे जहां पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो. कोई जरूरी नहीं है कि जहां आपका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो वहां सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. कोई मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, ये आपको डिफरेंशिएबिलिटी में बताया है. एंड इफ f डबल डैश x चेंजेस साइन एंड इफ f डबल डैश x चेंजेस एंड f डबल डैश x चेंजेस साइन f डबल डैश x चेंजेस साइन व्हेन पासिंग थ्रू When passing through x equals to x naught, then x naught is called the point of inflection. जहां पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर ले समझ जाओ वो पॉइंट आपके क्या हुआ बेटा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन. ठीक है, डेफिनेशन से आपको समझ में आया होगा कि एफ डबल डैश एक्स अगर अपना साइन चेंज कर ले वो पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर ले तो बेटा वो पॉइंट आपका क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा. ठीक है, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द कर्व चेंजेज इट्स कॉनकेविटी. The curve changes its concavity. That is, if पहली condition आप लिखिए f double dash x is less than zero. Or x belongs to a to b or x belongs to a to b then function y is equal to fx is concave downward and open a to b. कैसा ग्राफ हुआ भाई? ग्राफ देखिए एक बार. ए से बी में आपका कॉनकेव डाउनवर्ड है. ठीक है, ये कब हुआ है? जब आपका एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है. ठीक है, नेक्स्ट लिखे फटाफट से. सेकंड पॉइंट, इफ एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो
if f double dash x greater than 0 or x belongs to a to b or x belongs to a to b then the curve y equals to fx then the curve y equals to fx is concave upward then a to b लिख लो ना फटाफट से बना लो n a to ऐसा डायग्राम बना लो आप कौन के अपवर्ड है आपका ये आपके क्या है कौन के अपवर्ड है ऊपर की तरफ बनो एग्जांपल लिखिए फटाफट से एग्जांपल लिख लो consider a function fx is equal to x cube find its concavity और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड इट्स कॉनकेविटी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स क्यूब का ग्राफ आप देखिए बच्चा कैसा होता है ऐसा होता है मैंने उस दिन आपको बताया था कि जीरो एक ऐसा पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में इसका कॉनकेविटी चेंज होता है यहां से यहां तक ये कॉनकेव डाउनवर्ड है लो एक्स एक्सिस ये कॉनकेव डाउनवर्ड है ठीक है ये क्या है आपका कॉनकेव डाउनवर्ड और ये बच्चा ऊपर वाला पोर्शन ये जो है यहां से यहां तक आपका कॉनकेव अपवर्ड है ठीक है And zero is the point of inflection. X is equal to zero. X is equal to zero is the point of inflection. क्यों? अगर उस point पे point of inflection पे derivative क्या हो जाता है? Zero हो जाता है ना भाई? Zero हो जाता है बताएं आपको. F x x देख लो फटाफट से क्या आएगा आपका? आपका अगर f x आपका भाई x cube है तो आपका जो f dash x है बच्चा वो क्या आएगा 3x square ठीक है तो f dash at 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और सेकंड डेरिवेटिव भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो साइन चेंज कर रहा है साइन पॉजिटिव आ रहा है साइन नेगेटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव का तो सबसे बढ़िया बात f double dash 0 भी क्या आएगा 0 ही आ जाएगा भाई f double dash इसका सेकंड डेरिवेटिव भी क्या आएगा 0 ही आएगा f double dash 0 भी आपके क्या आएगा 0 ही आएगा अरे 6x जब आपने 0 रखा तो फट से 0 बन गया ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 सेकंड डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो ठीक है जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक और एग्जांपल लेकर के यहां पर समझने की कोशिश करते हैं तो मान लो बच्चा ऐसा है ये कोई पॉइंट है आपका सी एक्स इक्वल टू सी आप देखिए सी के लेफ्ट एंड पे सी के लेफ्ट एंड पे आपका कॉनकेव अपवर्ड है और सी के राइट एंड पे जाके कॉनकेव डाउनवर्ड है बट यहां पे क्या है साफ कॉर्नर है पॉइंट सी यहां पे क्या है साफ कॉर्नर है तो यहां पे फंक्शन आपका क्या डिफरेंशिएबल नहीं है बट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका कॉनकेविटी चेंज हो रहा है इसीलिए x = 3 यहां पर पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होगा ये जरूरी नहीं है
कि भाई सी पे इसका डेरिवेटिव मिलेंगे। लिखिए आप इस एग्जांपल में लिखिए एट पॉइंट सी एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट द कर्व चेंजेस इट्स कॉनकेविटी बट द कर्व चेंजेस इट्स कॉनकेविटी अबाउट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू सी सो x इज इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। सो x इज इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। वीडियो वेबल कर लो भाई भी जोर आ रहा है क्या कथन स्मित विस्मित सारे सारे। मैं एक लेक्चर में कितनी बार बोला करूंगा तुमको है? सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? या मैं रोज प्यार से बोल देता हूँ इसीलिए सुन दिमाग में नहीं उतर रहा किसी के। सर ब्लर हो जाता है। ठीक है जिसको नेटवर्क दिक्कत है मत करो फिर सबको नेटवर्क दिक्कत हो जाएगी। कर ले तू भाई अब कर ले नील। समझ में आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पॉइंट? समझ में आ गया? उस दिन भी एक्सप्लेनेशन दिया था और आज भी समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है ना। कर्व का कॉनकेविटी जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए वही पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या फंक्शन के डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो जाए। ठीक है एक और कंडीशन या फिर आपका जो है डेरिवेटिव ही उस पॉइंट पर जीरो हो जाए। ठीक है कई सारी बातें आपने सीख ली इससे रिलेटेड। क्वेश्चन लिखिए फटाफट से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर ये तो उस दिन मैंने कराई दिया था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स के लिए तो बता दिया था ना एम पाई आ जाएगा ये तो करा देता ना साइन पे एन पे के बाद। सेकंड वाला लिखो नेक्स्ट लिखिए एफ एक्स इक्वल टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स रेस टू पावर फोर माइनस थ्री एक्स रेस टू पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब। वन बेटा एफ डबल डैश एक्स जीरो कर दो ना बेटा एफ डबल डैश एक्स जीरो कर दो। अभी तो लगाया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। हां टू बाई थ्री जीरो और टू बाई थ्री सही है जीरो और टू बाई थ्री आएगा। बहुत आसान है कुछ नहीं करना है एफ डबल डैश से एक्स निकाल के जीरो कर देना भाई ये कोई पूछने वाली बात नहीं बहुत छोटा सा है। देख लो भाई जिनसे नहीं हो रहा वो फिर भी एफ डैश एक्स आपको आएगा 12 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा बच्चे आपका 36 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स ऐसा
सही है, इसको हमने क्या किया जीरो कर दिया, तो एक तो आपका थ्री और एक आपका टू ट्वेल्व से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स आपने कॉमन ले लिया तो थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक आपका एक्स जीरो आ जाएगा और एक एक्स आपका बच्चा टू बाई थ्री आ जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके दो आ जाएंगे जीरो टू बाई थ्री। नेक्स्ट आपका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर वन बाई थ्री, एक्स रेज़ टू पावर वन बाई थ्री, इसके लिए बताइए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा कुछ कुछ ग्राफ होता है इसका जीरो 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 जीरो, तो ये ऐसा कुछ कुछ ग्राफ होता है। एफ डैश एक्स आपका वन अपॉन थ्री एक्स रिश्वा टू बाई थ्री ऐसा आ जाएगा, जीरो तो डोमेन में ही नहीं है, डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, जीरो डोमेन में नहीं है, बट जीरो के रिस्पेक्ट में आपका कर्व का कॉन्केविटी चेंज होता है, इसलिए x इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिखे बड़ा क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट प्रूव दैट ln ऑफ 1 प्लस x पैटर्न लिखो तो लिख लो इनइक्वालिटी यूजिंग monotonicity। पहला है आपका प्रूव दैट ln ऑफ 1 प्लस x इज लेस देन x, ln ऑफ 1 प्लस x इज लेस देन x for x greater than 0, for x greater than 0, try करिए। तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगेगा इसमें। सबसे पहले हमें एक फंक्शन सपोज करना पड़ेगा और वो हमें दिख रहा है कि ln of 1 plus x और आपका x भी इसमें इन्वॉल्व है,
लेट अस अज्यूम फंक्शन आपका कैसा होगा, एफ एक्स इक्वल टू एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। याद है आपको हमने रूलेस थ्योरम और एलएनबीटी में ऐसे इनइक्वालिटीज में फंक्शन अज्यूम करके कुछ क्वेश्चन प्रूव किए थे, याद आ रहा है बच्चा? हैं, अरे याद आ रहा है क्या? ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके एफ डैश एक्स ले लेते हैं। तो बच्चा एफ डैश एक्स इसके क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स, और एक्स के क्या आएगा, माइनस 1। तो ये क्या आएगा आपका, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर लिया। यहाँ से आपके क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या मिलेंगे, एक तो 0 मिल जाएगा और एक आपका जो माइनस 1 मिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि 0 से बड़े के लिए और माइनस 1 से छोटे के लिए फंक्शन आपका, तो लिखो फॉर एफ डैश एक्स आपका इंक्रीजिंग होगा, आपका जो है एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स बच्चा आपका इंक्रीज होगा किस इंटरवल में आपका, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0, और एफ एक्स आपका डिक्रीजिंग होगा कब बड़ा, जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। 0 टू इंफिनिटी का मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं, जब आपका एक्स पॉजिटिव होगा 0 टू इंफिनिटी होगा, तो एफ एक्स आपका क्या है, गलत लिख दिया क्या सर, उल्टा लिख, माइनस प्लस माइनस आएगा बेटा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ, गलत लिख, एक सेकंड ध्यान दीजिए, तभी मैं कहूँ कि ऐसा क्यों करूँ, माइनस प्लस माइनस, इंक्रीजिंग होगा सर किस इंटरवल में बताओ, मैंने लिखा भी सही है, साइन कन्वेंशन थोड़ा हो गया, एक्चुअल में क्या है बेटा, बदल जाएगा ना, बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं उसको सही कर लेना। तो माइनस 1 टू 0 आपका एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, और बाकी का जब भी आपका जो है एक्स बच्चा 0 से बड़ा होगा तो ये आपके क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। लगा दो ये वाला कंडीशन, आपको इनइक्वालिटी प्रूव करना है, हो जाएगा। आपको एफ एक्स रख दो, एफ एक्स आपका क्या है, एल ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स आपका लेस देन 0 होगा कब, जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, एल ऑफ, देखो ये वाला कंडीशन, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए आपको ढूंढना था, है ना, तो यानी कि एल ऑफ 1 प्लस एक्स आपका लेस देन एक्स, जब भी आपका एक्स 0 से बड़ा होगा, देख गया। ये सही ऑब्जर्वेशन था भाई, जिसने भी किया। नेक्स्ट लिखिए, शो दैट x sin x minus sin square x by 2 आपका जो है 0 से pi minus 1 by 2 के बीच में होगा, 0 से pi minus 1 by 2 के बीच में होगा। करो बेटा क्वेश्चन करो, ऐसे ही यही फंक्शन तो आपको पता चल गया ना, एफ एक्स आपका क्या है, दिख गया ना आपका एफ एक्स,
एफएक्स मानने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, थोड़ा आपको दे रहा हूं। हो गया हाँ। इनका नहीं हुआ भैया? फंक्शन है आपका एफ एक्स इज टू एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एफ डॉट एक्स निकाल लेते हैं भाई इसका। तो फर्स्ट इनटू सेकंड लगाने का, फर्स्ट को ड्रॉप किया सेकंड का डेरिवेटिव, माइनस सेकंड को ड्रॉप किया फर्स्ट का डेरिवेटिव,
और माइनस वन बाई टू टू साइन एक्स, और साइन एक्स का आपका क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स, साइन एक्स का आपका कॉस एक्स टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बच्चा जो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉमन ले लेते हैं यहां से एफ डैश एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहां से कॉमन ले लिए, ये बन जाएगा आपका वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है, सही है। अब x आपका कहां से कहां तक क्रॉस कर रहा है, कुछ दिया था क्या मैंने इससे ज्यादा, अरे भाई एक कंडीशन मैं देना भूल गया था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू 5 एंड ऑफ दिस ऑल काम नहीं किया, मैं लिखने भूल गया, x आपका ओनली 0 टू 5 एंड में ओपन है बेटा, तो 0 टू 5 बाय 2 में, 0 टू 5 बाय 2 में आप देखो ये तो वैसे पॉजिटिव है, x को 0 से बड़े वैल्यू ले रहे हैं आप, 5 बाय 2 से छोटे ले रहे हैं, 1.5 से तक जा रहे हो आप, जिसे 0 से लेके कहां तक बड़ा 1.5 से, ये पॉजिटिव आपका 0 टू 5 बाय 2 में, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव ही है, ग्रेटर देन 0 ये भी पॉजिटिव है, कि cos 0 पे क्या होता है 1 होता है, तो 1 से थोड़ा सा कम वैल्यू से लेके 0 से थोड़े से ज्यादा वैल्यू पे जा रहा है, तो ये भी आपका ग्रेटर देन 0 और ये भी आपका ग्रेटर देन 0 है, ये देखा, ठीक है, sin x आप देख लो बेटा 0 टू 5 बाय 2 में वैसे आपका पॉजिटिव होता है, फंक्शन का ग्राफ ऊपर होता है ना पॉजिटिव होगा, cos x भी आपका पॉजिटिव होगा, उसमें 1 का मल्टीप्लाई किया आप करो बेटा, करो 1 ऐड करोगे आप तब भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो ये आपका थ्रूआउट फंक्शन जो है, थ्रूआउट फंक्शन जो आपका f(x) बच्चा कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि f(x) आपका क्या है, इंक्रीजिंग है बेटा, fx आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो क्या करो, लिमिट लगा दो, लिमिट लगा के ये एक्चुअल में क्या रेंज है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्स टू मैक्स वैल्यू पाई माइनस 1 बाई 2 है, तो आपको कुछ खास नहीं करना है, लिमिट लगा दो, एक बार x टेंड्स टू 0 पर ले लो और एक बार लिमिट दो x टेंड्स टू पाई बाई 2 पर निकाल लो, ठीक है, तो आप कैसे करोगे बेटा, लिमिट लगा लो तो इस पे तो लिमिट लगाओ तो अंडरबाइंड फॉर्म तो कुछ है नहीं, 0 बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे आपका फंक्शन का वैल्यू बेटा क्या बन जाएगा, 0, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग लिमिट लगा लेते हैं, शान पटेल क्लास में है क्या आज, शान पटेल नहीं है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, और बच्चा आपको क्या निकालना है, तो यही निकाल लो पहले आप, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ x आपका क्या है, x sin x माइनस sin स्क्वायर x बाय ऐसा, तो ये तो डिफाइन है डिनोमिनेटर में कहीं भी 0 ना, आप आराम से पुट कर सकते हो, क्या है 0 माइनस 0 आपका 0 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 ये तो आपको दिख ही गया, ठीक है, आते हो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 और निकाल लो आप fx, तो x sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, तो भाई डिफाइंड है ये भी, पाई बाय टू सीधे सीधे रखो तो आ जाएगा पाई बाय टू इनटू वन माइनस वन बाय टू, तो आपका आएगा पाई माइनस वन बाय टू, मैक्सिमम वैल्यू भी आपका पाई माइनस वन बाय टू आ गया, ठीक है, हेंस प्रूफ, ये लिखो कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि आपको इसको फंक्शन दिया जाएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चंस में जो है
ये आईआईटी नहीं पूछेगा आपसे, ये आईआईटी नहीं पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा आईआईटी, देन प्रूव दैट, ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चंस कराया जा रहा है, बाकी का आपका बोर्ड पर्पस के लिए भी थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको एक्चुअल में क्या बेटा, यहाँ पे फंक्शन को कभी कभी खुद से भी है ना थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर करके सोचना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ अभी, क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस ई रेज़ टू पावर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस x प्लस प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर और ऑल x बिलोंग्स टू r। डायरेक्ट में इस बात में लिखा है x बिलोंग्स टू r, एक साथ कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ट्राई करो बच्चा फटाफट से।
हुआ बेटा? यस सर। देखो ये एक्चुअल मुझे लिखा हुआ, मैं इसको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ आपको कि क्या लिखा हुआ है। इरेज टू पावर एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस इरेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे थीटा की हमने ये स्क्वायर एक्स रखा तो ये प्रकट हो गया इधर वाला पार्ट, और जैसे ही थीटा के लिए आपने 1 प्लस x रखा राइट हैंड साइड वाला पार्ट प्रकट हो गया। देख क्या, अरे दिखा। यस यस सर। देखो इसका मतलब क्या बेटा कि f ऑफ x आपका क्या होगा, x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है, ये आपका f ऑफ x आ गया। हमने क्या किया, f ऑफ x निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ थीटा का क्या आएगा, 2 रूट ऑफ थीटा, और थीटा का द्वारा से करेंगे तो क्या आएगा 2x, ऐसा, ठीक है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम ले लिया तो बच्चे f डैश x आपका हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। अब दो बातें हो सकती हैं, दो कंडीशन है हमारे पास, x r है, इसका मतलब क्या है, एक तो x greater than 0, ये वाली कंडीशन, और एक आपका x less than 0, ये वाली कंडीशन, ठीक है, एक मैं आप equal to लगा रहा हूँ जिससे कंडीशन बैलेंस होती है, ठीक है, तो एक x greater than equal to 0, एक आपका x less than 0, x greater than equal to 0 की जब आप बात करोगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव x स्क्वायर आपका पॉजिटिव, उसमें ऐड किया 1 तो वो पॉजिटिव और पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव, तो ये भी आपका पूरा पॉजिटिव। सेम यही कंडीशन इसके लिए, तो ये भी बच्चा आपका क्या पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, f(x) x आपका क्या है ग्रेटर देन 0, किस कंडीशन के लिए, ये आया है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, इस कंडीशन के लिए f(x) आपका क्या पॉजिटिव है, यानी कि जब जब x 0 या 0 से बड़ा होगा आपका f(x) इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ये वाली बात यहां तक समझ में आ गई। अब हम जो है x less than 0 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x less than 0 के लिए f dash x आपका क्या आएगा, वही था जो था, तो यहां पर लिख दो आप fx is increasing, ऐसे ऊपर की तरफ एरो बना के, लेकिन जैसे ही आपने बोला कि हम इसको चेक करना चाह रहे हैं, सेकंड कंडीशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स लेस देन जीरो के लिए, ये कट से आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और आपका ये पॉजिटिव, लेकिन x आपका क्या है नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब इसे कैसे लिखेंगे, f dash x रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x, ऐसे लिखेंगे नहीं, है ना, ऐसे लिख दिया विद साइन, क्योंकि x नेगेटिव था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, ऐसा। लेकिन आपको पता है कि जब जब x आपका नेगेटिव होता है तो मॉड ऑफ x आपका क्या होता है माइनस x, सही बात है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो माइनस x लिखा हुआ है ये आपका इसका मीनिंग क्या है कि f dash x बच्चे आपका क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, और ये जो नेगेटिव था जैसे प्लस ऑफ माइनस आपका इस तरीके से लिखा हुआ था,
जाहिर सी बात है यहाँ पे बाहर आपका माइनस रहा होगा, अगर मैं ऐसे करता हूँ माइनस तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस रहा होगा और ये कैसे लिखा होगा ऐसा मॉड एक्स भाई, मॉड एक्स जब माइनस एक्स खुलेगा तो माइनस माइनस बन करके तभी तो प्लस एक्स बनाएगा, ये वाली बात कहानी क्लियर होती है कौन मान है, यानी कि बेटा एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक्स लेस देन जीरो के लिए तो मॉड एक्स आपका माइनस एक्स खुलेगा है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई क्या रखूंगा बेटा वन प्लस एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा बच्चा रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, कोई भी क्वांटिटी जब रूट से बाहर आती है तो उसमें मॉड लग जाता है, समझ में आया कि नहीं बताओ, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए एक्स लेस देन जीरो के लिए चेक करना है, मैं एक्स लेस देन जीरो के लिए हमने बनाया है इसे जानबूझ क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, समझ में आया, इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव उसका रूट पॉजिटिव लेकिन वन प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से तो इसका रूट ज्यादा होगा, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव इन दोनों का डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा क्योंकि बेटा रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर ज्यादा होगा, लिख लो आप यहाँ पे जिनको दिक्कत है रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ये वाली बात आपके भेजे मानी चाहिए, तो ये ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव आएगा और नीचे वाला पोर्शन तो आपका बड़ा पॉजिटिव है ही, इसका मतलब क्या है f dash x आपका x less than 0 के लिए भी greater than 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका fx जो है इस कंडीशन में भी क्या है इंक्रीजिंग है, कब जब आपका x less than 0 है, जब आपका x 0 0 से बड़ा है तब भी इंक्रीजिंग है fx, जब आपका x 0 से छोटा है तब भी आपका fx इसका मतलब क्या है ओवरऑल आपका फंक्शन जो है ओवरऑल आपका फंक्शन जो क्या है बेटा इंक्रीज, ओवरऑल आपका फंक्शन जो क्या बच्चा इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये जो लिखा हुआ है, अच्छा मैं एक काम करता हूं उसको हटा देता हूं यहां से, अब यहां से यहां से हमें पता चला था कि हमारा जो एफ एक्स है वो है एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स, ऐसा है तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन इस हिसाब से क्या कहती है, ये कंडीशन बच्चे इस हिसाब से क्या कहती है एफ ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, भाई ज्यादा एक्स का वहां आपने ई रेस पावर एक्स रखा है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ये कंडीशन क्या कह रही है एफ ऑफ वन प्लस एक्स, क्या कह रही है एफ ऑफ वन प्लस एक्स, ग्राफ से भी दिखा देते हैं ना, ग्राफ से भी दिखा देते हैं, अगर एक फंक्शन आपने ई रेज़ टू पावर एक्स ले लिया और दूसरा अगर आपने जो है वन प्लस एक्स ले लिया, मान लो जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इनके इनपुट के लिए बात कर रहा हूँ कि इनपुट का क्या सीन है, इस फंक्शन में इनपुट में दिखा देता हूँ ई रेज़ टू पावर एक्स बड़ा है, अगर इसका इनपुट बड़ा है तो भाई जाहिर सी बात है ये आपको बड़ा होगा ये वाला पोर्शन, और 1 प्लस एक्स अगर छोटा है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इससे कम आएगा, आएगा तो लेकिन इससे कम आएगा, मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं 1 प्लस एक्स का, अगर बच्चा मैं ग्राफ बनाऊं 1 प्लस एक्स तो x 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा 1, x 0 तो y आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, x 0 तो y आपको 1 ओके, और जब आपने बेटा y 0 रखा तो x आपको क्या मिलेगा माइनस 1, तो y 0 तो माइनस 1 को मैं 0, तो ये जो लाइन है आपका x प्लस 1 आपका ये आपका क्या है ग्राफ है x प्लस 1 का, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट से, ठीक है ये क्या है आपका x प्लस 1 का ग्राफ है, माइनस 1 को मैं 0 और 0 को मैं 1 से पास कर दूंगा, एक बार x 0 डालेंगे और y 0 डालेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा, लेकिन लेकिन अगर मैं e रे टू पावर x का ग्राफ बनाऊंगा तो इस पॉइंट को छू करके चली जाएगी इसको 1 को, क्योंकि 0,1 x का ग्राफ कैसा बनता है 0,1 ही तो होता है जहां से इस तरीके से पास करके जाता है, करता नहीं करता, इसका मतलब क्या है ये आपका y रेशियो और x का ग्राफ है और ये बेटा आपका क्या है x प्लस 1 का ग्राफ है, तो आप देखिए इस ग्राफ से x प्लस 1 के ग्राफ के ऊपर है आपका कौन सा ग्राफ y रेशियो और x का ग्राफ, तो ये हमेशा बेटा ज्यादा होगा नहीं होगा, ये हमेशा बेटा ज्यादा होगा, आप यहां से क्या कह सकते हो भैया y रेशियो और x ग्रेटर देन x प्लस 1 जैसा कह सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं है ना, e रे टू पावर x ग्रेटर देन x प्लस 1 क्योंकि इस फंक्शन के ग्राफ से इसका ग्राफ ऊपर है,
इसीलिए आप यहाँ से सिमिलरली ये भी कह सकते हो, इसीलिए बड़ा आप सिमिलरली यहाँ से ये भी कह सकते हो ना, नेक्स्ट सब्जेक्ट तो बराबर है।